नहीं रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा था कि दुनिया में मिसाइल के क्षेत्र में भारत का डंका बजने लगा। भारत में मिसाइल कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में आगे बढ़ा। डॉक्टर कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़े। इसके बाद उन्होंने मिसाइल के विकास के लिए कई बड़े काम किए। पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों की कामयाबी के पीछे कलाम का ही हाथ था। डॉक्टर कलाम की अगुवाई में ही भारत ने पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम लहराया था। डॉक्टर कलाम ने 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण में भी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम ने अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबें भी लिखी हैं। इसमें उन्होंने अपने अनुभव बांटे हैं। मिसाइल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उन्हें 1997 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। पूर्व राष्ट्रपति कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था।